खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। लू लगना गर्मियों में एक बहुत ही आम समस्या है। लू लग जाए तब क्या करें या लू ना लगे उसके लिए क्या करें, प्रिवेंशन और क्योर दोनों के रूप में योग आपके लिए सहायक हो सकता है। अगर आप भी लू से बचना चाहते हैं तो प्रिकॉशनरी रूप में और क्योर के रूप में दोनों तरह से आपको करना है शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम आपके शरीर को ठंडा रखता है, लू लगने की समस्या से आपको बचाता है। आप इसी प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, यानी पहली उंगली की टिप आपके अंगूठे के टिप से छू जाएगी। हाथों को अपने घुटनों पर टिका देंगे, पाम्स फेसिंग टूवर्ड्स स्काई और आँखें बंद कर लेंगे। अपनी जीभ का पाइप बना करके इस पाइप से सांस लेना है जब सांस ले लें तो मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ दें। ऐसा आप 5 से 7 बार सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, शाम के वक्त भी कर सकते हैं, बल्कि दोपहर के वक्त भी। अगर भोजन और इस क्रिया के अभ्यास के बीच में 3 घंटे का गैप है तो दोपहर को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपको लू लगने की समस्या से बचाएगा। गर्मी की हर समस्या का समाधान है शीतली प्राणायाम। लेकिन लू लगने की समस्या में क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको। आपको सेवन करना है कच्चे आम के पना का। बहुत आसानी से घर में आप बना सकते हैं। कच्चा आम या उसे क्यारी भी कहते हैं, कच्चा आम ले लीजिए और उसका पना बना करके उसका सेवन करें अगर आपको लू लग गई है तो। और लू ना लगे उसके लिए जब भी आप घर से निकले तो अच्छे से 1 ग्लास में पानी भर के पूरा अपना अच्छे से पेट भर के पानी पीजिए और फिर घर से निकलिए। साथ में पुदीना हरी मिर्च इसकी चटनी आप बना लीजिए। पुदीना हरी मिर्च और प्याज ये 3 चीज़ें आपकी चटनी में होनी चाहिए और इसको आप अपने डाइट का पार्ट बना लीजिए जब तक गर्मी है। आप देखेंगे कि पुदीना हरी मिर्च और प्याज ये तीनों चीज़ें आपको लू लगने से बचाएगी। या फिर आप सीधा खाना जब खाते हैं तो हरी मिर्च का सेवन उसके साथ कर ले, प्याज का सेवन कर ले, ये भी आपको लू से बचाने के लिए रामबाण का काम करता है। गर्मी से बचे रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्रोध से दूर रहें, हमारा कार्यक्रम जरूर देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने।